अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 76 के ऊपर। टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। To understand the division of fractions, we must first know what is a reciprocal. वो कह रही है कि फ्रैक्शन की जब हमने डिविजन करनी है तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्ड है ये reciprocal, इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो reciprocal का मतलब होता है किसी भी नंबर को, चले हम मैथ्स करें तो मैं मैथ्स में आपको बताऊंगी कि रेसिप्रोकल मींस किसी भी नंबर को जब हम अपसाइड डाउन कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन वी जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, नीचे ऊपर वाला नीचे कर देंगे नंबर और नीचे वाला ऊपर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन है हमारे पास 2/5। 2 इज अ न्यूमरेटर, 5 इज अ डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन की जब रेसिप्रोकल हम बनाएंगे तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे। तो फ्रैक्शन की डिवीजन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बात पता होनी चाहिए फ्रैक्शन के बारे में, वो ये है कि हमने डिवीजन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फ्रैक्शन को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, अपसाइड डाउन करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। 1/7, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/1। और जब आपके डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम उसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें, 7/1 और 7 ये सेम है। ठीक है, जब आपके डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। अब ये एक नंबर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 इज अ होल नंबर, तो इसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5। ये देखें, इसको हम अगर उल्ट कर दें, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 हो सकता है, तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7 हो सकता है। तो इसी तरह 5 हमारे पास नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। ये बस आपने याद रखनी है। अब असल बात ये है कि ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डिवाइड 7/9/42। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है। हमारे पास दो फ्रैक्शंस होती हैं डिवाइड में, दो नंबर्स होते हैं डिवाइड में, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन से वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बनाना है, फर्स्ट वाली का या सेकंड वाली का। तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको ये बताया हुआ है, फर्स्ट वी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। जो हमारे पास सेकेंड फ्रैक्शन मीन्स जो राइट साइड के ऊपर फ्रैक्शन होगी उसका हमने रेसिप्रोकल बनाना है। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3D, हमारी एक्सरसाइज 3D चल रही है, इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। ये देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं, ये आपकी बुक के ही सारे क्वेश्चंस हैं। डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 7, 6/1/9। ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज सेकंड नंबर। हमने कौन किस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल बनाना है, इस वाली का, ये जो है इसका रेसिप्रोकल बनाना है हमने। ठीक, और जब आपने रेसिप्रोकल कर देना है तो ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में। ओके, अब देखें हम इसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, 6, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में,
वन बाय नाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? नाइन बाय वन, और नाइन भी कर सकते हैं। सही, अब ये क्या हो जाएगा? सिक्स मल्टीप्लाई बाय नाइन बाय वन, सिक्स नाइन जर 54 बाय वन और 54। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि इस वाली फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल देखना है। जैसे हमारे पास ये है फ्रैक्शन, इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे हम। ठीक, सो 30 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1/2 का रेसिप्रोकल, ओ सॉरी 1/20 का रेसिप्रोकल, 20/1। सो अब इसको हम कैसे करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 20/1, रफ वर्क में 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 0 0s are 0, 0 3s are 0, 2 0s are 0, 2 3s are 6, सो इट इज 600, 600 बाय 1 और 600, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ। 14 डिवाइडेड बाय 2/13, इसमें हमने इसका रेसिप्रोकल करना है राइट साइड पे, सेकंड फ्रैक्शन। ओके, अब 2/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13/2। इसी तरह ये क्या क्वेश्चन है? 23 डिवाइडेड बाय 23/5, इसमें हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 5/23। ये दो पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं और फिर इन सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।